हाय गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो हाफेली का पेपर है इंग्लिश का, उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं हम जो हमारा अनसीन पैसेज है। पूरा जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है और फर्स्ट सेक्शन रीडिंग सेक्शन में जो है अनसीन पैसेज है। इसके सारे आंसर आप देखेंगे, सब मैंने मार्क कर रखे हैं, है ना। और हम वन बाय वन सारा लेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, पैशन हेल्प्स यू टू टेक बेटर डिसीजन। यहाँ पे आप देखेंगे बेटर डिसीजन, है ना, एंड अट्रैक्ट्स अदर्स टू यू। और फिर है पैशन इज पावरफुल टूल फॉर सक्सेस। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव इसमें मार्क कर रखे हैं। टेकिंग कॉन्क्रीट स्टेप्स टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ यूर गोल्स, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद देखते हैं, देखिए यू शुड टेक कॉन्क्रीट, ये वाला तीनों जो है मार्क कर रखे हैं उधर। फिर ये देखिए पेशन अट्रैक्ट्स अदर्स टू यू, ये ट्रू है ना। फिर पेशन डज नॉट हेल्प यू टू गेट मोर डन इन लेस टाइम, ये फाल्स है। फिर पेशन इज अ पावरफुल टूल ऑफ सक्सेस। फिर इंथ्यूज़म कैन बी मेंटेन्ड बाय, इसमें आपका ऑल ऑफ द एबो वाला ऑप्शन जो है वो आएगा। फिर पेडियाट्रिशियन जो है वो पर्सन होता है जो बच्चों को देखता है, पैसेज में क्लियरली बताया है ना। राइट द वर्ब फॉर्म ऑफ डिसीजन का होता है डिसाइड। फिर मेंटेन का होता है नाउन फॉर्म मेंटेनेंस। इसी तरह आप देखेंगे अगला जो पैसेज है वो नोट मेकिंग का है, तो इसमें आपका टॉपिक हो जाएगा बच्चों टूरिज्म, और उसके बाद आप अच्छे से नोट मेकिंग बना सकते हैं जैसे कि आपने सीखी है। ऑन द बेसिस ऑफ नोट्स बनाना है और इसका एक टाइटल देना है, तो टाइटल हो जाएगा टूरिज्म, ग्रो ऑफ टूरिज्म, या सिर्फ टूरिज्म भी लिख सकते हैं। इसके बाद सेक्शन बी में जो है बच्चों आपका एक नोटिस है, आपको एक टिफिन बॉक्स मिला है, तो एक अच्छा सा नोटिस बनाना है, फाउंड अ टिफिन बॉक्स स्कूल के लिए, ठीक है, ये स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए बनाना है। फिर एक पोस्टर है इसके अथवा में, तो अगेंस्ट अनक्लेम्ड आर्टिकल्स का है ये, बॉम्ब ब्लास्ट वाला जो आपको आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, आपके स्कूल में करवाया होगा बॉम्ब ब्लास्ट की, जो जिन चीज़ों जो ऐसे ही चीज़ें रखी रहती हैं जैसे टिफिन बॉक्स है, सूटकेस है, मोबाइल है, तो उनमें बॉम्ब हो सकता है पब्लिक प्लेस में जो रखी होती है, तो उसका पोस्टर बनाना है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। फिर जो राइट एप्लीकेशन है कि आप आलोक दुबे हैं और आपको एप्लीकेशन लिखना है डुप्लीकेट मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल, मतलब टेंथ की मार्कशीट की जो डुप्लीकेट कॉपी उसका है। फिर हॉस्टल लाइफ वाला लेटर है। इसके बाद जो है हम देखते हैं, ये सारा आपका कर रखा है, रोड एक्सीडेंट की जो है रिपोर्ट आई है, और स्पीच है डिसिप्लिन वाला, तो वो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सुनील यस्टरडे है इसमें, इसलिए इसमें वर्ब सेकेंड शर्ट आएगा, सुनील शर्ट द विंडो यस्टरडे, ठीक है। फिर इटली इज ए यूरोपियन कंट्री। शी ट्राइड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, शी ट्राइड बोथ कीज बट नाइदर वर्कड, उसने दोनों चाबियां इस्तेमाल की लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया। हरीश वाज लगा है तो यहाँ पे कुड आएगा, हरीश कुड स्विम व्हेन ही वाज यंग। निधि आंसर्ड 10 क्वेश्चंस, तो इसमें ऑल वाला जो है ऑप्शन आएगा स्टूडेंट्स। फिर छठा जो है, यू ought to respect your elders. फिर हम sentences देखेंगे, the boy is my brother, he is wearing a red cap. इसमें relative clause, तो the boy who is wearing a red cap is my brother. They made him captain. तो इसको passive में बदलना है students. He was made captain by them. ऐसे इसका sentence बनेगा। फिर इसको simple sentence में change करना है, जो third sentence है, I get up early in the morning to go for a वॉक। ये जो बड़ा जो सेंटेंस है इसको हमने सिंपल सा सेंटेंस बना दिया है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गो फॉर ए वॉक। फिर अवर टीम वन द मैच, पास्ट परफेक्ट में बदलना है, तो बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना है, हेड लगा देना है, अवर टीम हेड वन द मैच। फिर है ही परचेज्ड अ न्यू कार, इसको इंटरोगेटिव बनाना है, तो परचेज्ड वर्ब सेकेंड है, तो आगे डिड आ जाएगा, डिड ही परचेज
अ न्यू कार, और ईडी हट जाएगा इंटरोगेटिव में। फिर अगला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बनाना है, माय सिस्टर कट, तो कट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, डिड नॉट लगा देना है और ये सेंटेंस बच जाएगा, माय सिस्टर डिड नॉट कट द केक ऑन हर बर्थडे। फिर देखिए टू डैश डैश टू वाला है, तो इस सो की जगह हम टू लगा देंगे, ही रेन टू फास्ट टू ओवरटेक हिम, इस तरह से सेंटेंस बन जाएंगे सारे। इसके बाद आप सेक्शन डी में आ जाइए, सेक्शन डी में हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो है अनसिन जो आपका दिया है, सॉरी अनसिन नहीं है, ये हॉर्नबिल का है, वी हैव सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल टूगेदर, उस लेसन का है ये। तो वॉट इज एल एमस्टरडम, तो एल एमस्टरडम क्या था, एक आइलैंड था, तो इसमें आइलैंड आएगा। वे वाकर इज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोट, तो ये ट्रू है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको ट्रू वाला जो है वो सही होगा। इन द एबोव एक्सट्रैक्ट पिन प्रिक्स, पिन प्रिक्स मीन्स स्मॉल आइलैंड, ठीक है, स्मॉल आइलैंड होगा इसमें जो है ऑप्शन। फिर फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स टू बिकम लेस स्ट्रोंग, का होगा स्लिम, जो हम देख रहे हैं यही एक वर्ड है जो इसके जैसा है, इससे इससे मिलती है इसकी मीनिंग। द जाइंट वेव आएगा यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स में। फिर पोयम का जो पैसेज है वो देखिए आप, पोयम का पैराग्राफ है, इसमें से ये लेबनम टॉप में से आया है, वेन द बर्ड फ्लाइज अवे द ट्री बिकम्स एम्प्टी, ये यहीं पर दिया है एम्प्टी, तो ये एम्प्टी आएगा। वॉट इज डिस्क्राइब्ड एज इंजिन, इंजिन के जैसा किसको बताया है, गोल्ड फिंच का जो मूवमेंट है उसको बताया है, तो इसमें गोल्ड फिंच आएगा। और पोएट का नाम जो स्टूडेंट्स है, इसका पोएट का नाम है टेड हग, तो वो आप लिख लें, टेड हग आएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला एक और हमारा जो है स्नैपशॉट का जो पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, वो है ना, और ये भी लेसन नंबर फर्स्ट में से ही आया है, राम और मुराद वाला जो लेसन है, द ब्यूटीफुल मॉर्निंग ऑफ द समर, है ना। फिर विच ट्राइब, कौन से ट्राइब की बात की है, कौन से जनजाति की, तो इसमें ग्रोगलेनियन ट्राइब की बात की है, ये जनजाति किस बात के लिए फेमस थी, ऑनेस्टी के लिए। फिर इसमें जो सबसे जो उनकी जो खूबी थी, इसमें जो सोसाइटी ग्रोगलेनियन ट्राइब जो डिस्क्राइब की है, उसकी जो जनजाति और जो समाज की बात इसमें की गई है, उसकी विशेषता है बींग ऑनेस्ट। और अगला जो क्वेश्चन है, वेल्दीएस्ट का अपोजिट होता है पुअर या इम्पॉवरिश्ड। इस प्रकार स्टूडेंट्स पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है, अभी आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो आपने बहुत अच्छे से कर रखे हैं आपकी क्लास में, उनको करना है। और राइटिंग सेक्शन के जो लेटर और पोस्टर और अगर आपको देखना है तो इससे रिलेटेड मेरे वीडियो आप देखिए, अपने आंसर को अच्छा बनाइए और फुल मार्क्स पा करके अच्छा डिवीजन बनाइए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।